जय श्री राम भक्तों, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा पाठ और व्रत आदि रखने से सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह और बजरंग बली से है। इस दिन व्रत के दौरान कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। हिंदू धर्मों में सप्ताह में हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगल देवता को समर्पित है। इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय कुंडली में मंगल की स्थिति को मजबूत बनाते हैं। इस दिन अगर विधि पूर्वक व्रत रखा जाए तो व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। कब से शुरू करें मंगलवार का व्रत? अगर आप मंगलवार के व्रत शुरू करने की सोच रहे हैं तो बता दें कि मंगलवार के व्रत को किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से शुरू करें। अगर किसी खास मनोकामना पूर्ति करने के लिए इस व्रत को रख रहे हैं तो 21 या फिर 45 मंगलवार तक यह व्रत रखें। इसके बाद उद्यापन करें। मंगलवार व्रत के नियम। धार्मिक मान्यता यह है कि इस दिन व्रत के समय पवित्रता का खास ध्यान रखें। कहते हैं कि अगर आप मंगलवार के दिन व्रत रख रहे हैं तो इस दिन मन को शांत रखें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जाप करें। मंगलवार के व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। एक समय फलाहार करें। सफ़ेद और काले कपड़े ना पहने, लाल वस्त्र धारण करें। लाल वस्त्र बजरंग बली को बहुत ही प्रिय है। अब हम जानेंगे कि हनुमान जी को कौन सी ऐसी चीज़ चढ़ाई जाती है जिससे बजरंग बली प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी को चढ़ाई जाने वाली सामग्री इस प्रकार है। पान का बीड़ा, लौंग, इलायची, सुपारी, नारियल, गुड़, चने का प्रसाद, इमरती, लड्डू, केसर भात, रोट जिसे मीठा रोटी भी कहते हैं, पंचमेवा, आटे का दीपक, सिंदूर, चमेली का तेल, फूल, धूप, ध्वजा, तुलसी की माला, राम नाम, पीपल के 11 पत्ते पे चमेली के तेल से या कुमकुम में या फिर चंदन से लिखकर राम का नाम चढ़ावे, जनेऊ, पीले रंग की फूल, लाल चंदन, लाल लंगूट और चोला। 3 महीने में एक बार लाल चोला जरूरी चढ़ाना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।